There are some places you can't describe in words. You can just feel it. Every place has a story, and this is my story of Meghalaya. So feel the Meghalaya with me in my journey. Hey guys, welcome to my channel. This is the first episode of my Meghalaya trip. Good morning. इस बार हम आए हैं मेघालय घूमने, तो अब मैं आपको 10 दिन अपने साथ मेघालय घुमाने वाली हूँ. So keep watching me. मॉर्निंग में हम निकले थे दिल्ली से, तो बहुत ज़्यादा फॉग था, इस वजह से हमारी फ्लाइट 1 आवर डिले हो गई. तो अभी हम गुवाहाटी एयरपोर्ट से निकले हैं शिलोंग जाने के लिए, और मैंने शेयर्ड कैब बुक किया है. और अभी हमारे को यहाँ से लगेगा 3 से 4 घंटा शिलोंग पहुँचने का. हमने स्टार्ट किया था 1.5 घंटे पहले गुवाहाटी से, और रास्ते में नोंगपो करके एक जगह है, तो वहाँ पर हमने अपना पहला ब्रेक लिया है खाने के लिए. So let me show you. तो अंदर चल के देखते हैं कि कैसा खाना मिलेगा हमें यहाँ. Well, the food was good, and we continued our journey to Shillong. And 15 kilometers before entering the Shillong from Guwahati side, there's a lake that is Umiam Lake. So we took our next break to this lake and spent a lot of time at lakeside. बाद हमने शिलोंग पहुंच के थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर इवनिंग में मार्केट में निकल गए स्कूटी रेंटल्स का पता करने. तो वहाँ पे बहुत सारे स्कूटी रेंटल्स हैं कीटिंग रोड पे और पुलिस बाज़ार में भी. तो हमने कीटिंग रोड पे एक स्कूटी रेंटल से स्कूटी फाइनल कर लिया फॉर 10 days. तो यहाँ से ये लेफ़्ट में रोड जा रही है, और आप यहाँ पे बोर्ड भी देख सकते हो शिलोंग पीक का. शिलोंग व्यू पॉइंट करके यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है. तो यहाँ से हम जाएंगे लेफ़्ट शिलोंग व्यू पीक, शिलोंग पीक के लिए. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि शिलोंग व्यू पॉइंट के टाइमिंग्स जो हैं वो 9 AM to 3:30 PM एंड इट क्लोजेज ऑन वेंसडे ओनली. सो लेट्स गो. As you can see, the road conditions are not so good. Let's see कहाँ तक ऐसे bumpy ride करेंगे हम. अभी थोड़ा और टाइम है शिलोंग पीक पहुँचने में, आई थिंक, क्योंकि सामने से बहुत सारे टूरिस्ट की गाड़ियाँ आ रही हैं. तो फाइनली हम शिलोंग व्यू पॉइंट पहुँच गए हैं. Let me show you. So this is the view from Shillong Peak. Just wow. अभी हम वापस पहुंच गए उसी पॉइंट पे और यहाँ से अब जा रहे हैं एलिफेंट वाटरफॉल। ओके सो अभी हम आए हैं एलिफेंट वाटरफॉल देखने और ये उसका पार्किंग एरिया है। तो अभी हम चलते हैं वाटरफॉल के लिए। यहाँ से थोड़ा पैदल जाना पड़ेगा। तो ये स्टेयर्स बने हुए हैं यहाँ पर एलिफेंट फॉल्स पहुँचने के लिए। ये 3 स्टेप वाटरफॉल है बेसिकली। First step, let's see. तो पहले स्टेप से वापस जा रहे हैं नीचे सेकंड स्टेप पे। So this is the second step of this waterfall. Third and final step of this waterfall, which is quite large. This is ML05 Cafe, where we stopped. We took a break to have something. Because it's already lunch time. So now we have 2-3 options actually. Waters Lake है शिलोंग में और golf course है और एक museum है. But museum आज संडे की वजह से close है और Waters Lake हमने कल evening में ही देख लिया था. तो अब हम जा रहे हैं golf course. तो अभी हमारे पास है 2-3 घंटे तो वहीं पे time spend करेंगे golf course में. बहुत रिलैक्सिंग है यहाँ पे बैठना, कुछ खाना पीना एंड यू नो व्हाट द टाइम इज 4:20 राइट नाउ एंड इट्स अबाउट टू सनसेट. यू कैन सी हियर एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल. आई बिलीव दैट यू एंजॉयड माय जर्नी विद मी एंड इफ यस देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड्स फ्रॉम माय मेघालय ट्रिप. थैंक यू.